नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं, धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल हम जींद में मौजूद हैं। जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। जींद में 1 तारीख को बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होने जा रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा मौजूद हैं। विधायक जी, 1 तारीख को रैली का आयोजन किया जा रहा है, मुख्य रूप से कौन कौन से चेहरे दिखाई देंगे? देखिए, जो ये जन आशीर्वाद रैली करने जा रहे हैं 1 तारीख को, इसमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और केंद्र से मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, माननीय विप्लव देव जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और राजस्थान से श्रीमान सुरेंद्र पूनिया जी भी आएंगे। चर्चाएं हैं, अमित शाह भी आ सकते हैं। देखिए, अभी ये बात इस विषय में चल रही है, अगर उन्हें लगेगा तो वो जरूर पहुंचेंगे। इस विषय पे सुनने में आ रहा है जानकारी के अनुसार कि हो सकता है कि माननीय अमित शाह जी भी इस कार्यक्रम पर आए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। लगातार टिकटों के लेकर मीटिंग चल रही है। अभी आपका भी नाम की चर्चाएं हैं कि विधायक जी की टिकट फाइनल हो सकती है, नहीं हो सकती है, किस प्रकार देखते हैं टिकट के बारे में? देखिए, हमने निरंतर, मैंने लगभग 6 साल मैंने जींद में काम किया है, और ये फैसला आलाकमान को लेना है। आलाकमान जिसे भी टिकट देंगे वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो कमल का फूल लेकर आएगा वो चुनाव लड़ेगा, बाकी हम सब उसकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कि जो मेरा कार्यकाल रहा, उस बेहतरीन कार्यकाल को देखते हुए आलाकमान मुझे टिकट देंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। रैली का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर पंडाल को देख रहे हैं हम, जिला स्तरीय रैली रहेगी या प्रदेश स्तरीय रैली रहेगी? नहीं, ये जिला स्तरीय रैली है, और इसमें आप ये मान के चलिए कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जितने भी टिकट के दावेदार हैं वो सब भी स्टेज पर विराजमान रहेंगे और सभी लोग आएंगे, और लोगों का हजूम आज इस बात को मानने को तैयार है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लगातार 10 साल हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 10 सालों में आंदोलन देखने को मिली, किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं या अन्य आंदोलन देखने की बात कर सकते हैं। जींद की मुख्य रूप से भूमिका हर आंदोलन में रही है। जींद में रैली का आयोजन किया जा रहा है, चुनाव है, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा प्रयत्न कर रही है, तो किस प्रकार देखते हैं आप लोग? देखिए, आप एक बात को अच्छे से मानते हैं कि जींद धर्म नगरी है, जहाँ कुरुक्षेत्र से युद्ध प्रारंभ हुआ था और जींद में युद्ध समाप्त हुआ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो रैलियाँ होती थी जींद में, वो सिर्फ रैलियों के नाम से ही जींद को जाना था, विकास नाम की चिड़िया भी यहाँ पर नहीं थी। लेकिन इन 10 वर्षों में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस प्रकार से जींद में विकास हुआ है, और जो जींद में जो रैली रखी गई है, या आप ये मान के चलिए इस रैली के अंदर काफ़ी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक हंगामा देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा ये देखने मिलेगा कि पूर्व MLA और कई बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जींद की बात करें, जींद में एक यात्रा की बात करते हैं, यात्रा भी निकली थी और रैली का आयोजन भी पुरानी अनाज मंडी में किया गया था। उसमें कहा गया था कि राहुल गांधी यहां पर आ सकते हैं, उसके बाद पोस्टरों का विवाद चला, बॉयकॉट के पोस्टर लगे। अब कहीं ना कहीं भाजपा के मुख्यमंत्री के भी बॉयकॉट के पोस्टर देखने को मिलते हैं, भर्तियों को लेकर नाराज हैं युवा। देखिए, जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस ने एक भर्ती गैंग रोक बना रखा है, जो लगातार कोई भी भर्ती होती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भर्ती निकालने का काम किया, मैं ये कहूँगा कि नौजवानों के साथ भर्तियों को लेकर अगर खेलने का काम कोई कर रहा है, उनके जीवन से खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, तो वो कांग्रेस कर रही है। आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस के लोग ही कोर्ट में जा रहे हैं, उन भर्तियों को रुकवाने का काम कर रहे हैं। लंबे समय से मिड्डा परिवार जींद से विधायक है, अब भी आप टिकट की बात कर रहे हैं, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी भविष्य में अभी पता चल जाएगा कि 2 दिन में, लेकिन आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कुछ मुख्य आपके जो कार्य हुए हैं अभी तक, क्या कुछ कार्यों के तहत वोट मांगे जाएंगे जनता से? देखिए, मैं आपसे जैसा कि जिक्र कर रहा हूँ कि विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी, और आज से 10 साल पूर्व अगर चले जाएँ आप, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 10 साल कांग्रेस का राज रहा, और उस कांग्रेस के राज में किस प्रकार से जींद के साथ भेदभाव किया गया, और मेरे ख्याल से कोई विकास की कोई ऐसी विकास के बारे में जींद को सोचा ही नहीं गया। अपने अपने क्षेत्रवाद की राजनीति की गई, ये कहिए कि रोहतक झज्जर सोनीपत में विकास किया गया, जबकि रोहतक से अगर आप जैसे जींद में एंट्री करते थे सड़कों का पता लगता था, इधर से सोनीपत से आते थे तो आपको सड़कों का पता लगता था। आज हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहीं पर आप ये देख रहे हैं कि
आज जींद में मैं ये कहूँगा कि तीनों टेंडर लग चुके हैं भाखड़ा के पानी के, और वो टेंडरों को खुलना है, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये रुक चुका काम। उसमें एक टेंडर खुल भी चुका है लेकिन काम वर्क लोड अभी नहीं होगा। इसी प्रकार से आप जींद की बाईपास को देखिए, जो माननीय चौटाला साहब ने जिसकी नींव रखी थी, कांग्रेस के राज में वो सारा धूल फाँकता रहा। कितनी बार तो मिट्टी बेची गई, खरीदी गई, यही नहीं पता लगा। और आज वो बाईपास भी बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बना। वहीं पर आप देख सकते हैं कि नोनो नेशनल हाईवे आज जींद को छू के जाने का काम कर रहे हैं, जिससे ये कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलने का काम होगा। वहीं पर आप देख रहे हैं कि जींद में 25 करोड़ रुपए की जो ULB की सड़कें थी उनको ट्रांसफ़र करके BNR में CC की और ब्लैक टॉप की सड़कें जींद शहर के अंदर बनाई गई हैं, वो आपके सामने। और वहीं पर ही करीबन आप ये मान के चलिए, विपक्ष के नेता तो कहते हैं विधायक ने कुछ कार्य नहीं करवाए, आप कार्य गिनवाते हैं, विपक्ष कमियाँ गिनवाता है। देखिए, आप भी स्वयं जींद के रहने वाले हैं, कि आपको नहीं लगता कि जींद में काम हो? अगर वो ये कह देंगे कि विधायक ने बहुत बढ़िया काम किया तो उनकी राजनीति कौन देखेगा? आपके ही गांव में पानी के पीने की क्लस्टर परियोजना प्रारंभ हो चुकी है, आप ही देख लीजिए। गांव को 6-6 गांव के क्लस्टर परियोजना को प्रारंभ किया, अगर आप कह दें कि काम नहीं हुआ तो आप ही देख लीजिए। आपका ही हैबतपुर से लेकर रोड रायचंद वाला डालम वाला तक वो रोड जा रहा है, वो भी दूसरी बार बना इसी बीच पीरियड के बीच में, एक बार बड़े डॉक्टर साहब के समय में बना था, अब बना। इसी प्रकार से मेरे ख्याल से मेरी जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई ऐसा रोड नहीं बचा जो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा हो, कोई ऐसा रोड बचा नहीं। एक झांझ के रोड को छोड़ के, उसमें भी क्योंकि एक कारण अड़ा हुआ है कि वहां रेलवे लाइन की वजह से वो काम रुका हुआ, बाकी कोई भी ऐसा रोड अछूता नहीं है जो ना बना हो। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, पिछली योजना की बात करें तो गठबंधन में सरकार रही है आपकी, JJP के साथ सहयोगी दल रहा है आपका, अब JJP आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हर एक को अधिकार है गठबंधन से सरकार, अपना गठबंधन से सरकार पूर्व समय में चली है, अब उन्होंने गठबंधन JJP ने दूसरे से कर लिया। इसी प्रकार से गठबंधन हर एक को जैसे सहूलियत लगती है वैसे वो पार्टी अपना, जिनके साथ उनका ये कहूँगा कि मैचिंग बनती है, जिन लोगों से स्वभाव मिलता है गठबंधन। मैचिंग तो भाजपा के साथ भी बनी थी, लेकिन कोई कारण रहा होगा, उसमें कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये टूट गया, तो कोई कारण रहा होगा। तो ये थे हमारे साथ जींद से भाजपा विधायक कृष्ण मिड्डा, अभी फिलहाल रैली स्थल पर पहुंचे हैं। 1 सितंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली की जोरों शोरों से तैयारियाँ चली हुई हैं, और जिला स्तरीय यह रैली है, और लगभग कह सकते हैं कि हरियाणा भर से मुख्य चेहरे देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी इस रैली में पहुंच सकते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मोदी पिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।